Reduction in the budget of HEC reflects the poor education policy of a government which would always speak for the youth of Pakistan. It's very unfortunate when I go through the reduction and the cut in the HEC funds, be it the PSTP or the other grants. अगर आप देखें तो HEC की जो डिमांड थी एलोकेशन की दैट वाज 104 बिलियन बट द गवर्नमेंट एलोकेटेड ओनली 64 बिलियन दैट शोज अ 40% ऑफ कट एंड व्हेन वी टॉक ऑफ द पीएसटीपी ऑफ HEC वी सी दैट द डिमांड वाज 42.6 बिलियन बट द गवर्नमेंट एलोकेटेड ओनली 29.4 बिलियन यानी कि ये जो तालीम हमारा असासा है और जिस तरह मुझसे पहले मेरी साथी जो मेम्बरान है उन्होंने भी इस पे जिक्र किया रोशनी डाली तालीम के ऊपर इन्वेस्ट करना ये हर कामयाब कौम की निशानी होती है अफसोस की बात ये है स्पीकर साहब कि एक ऐसे वक्त में जब कोविड से दुनिया भर में लोग मुतासर हैं और हम अपने मुल्क की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इसका असर है इफ़ेक्ट है वो स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ता है उनकी एक जो सोच है और आगे आने वाले वक्त में एक मेंटली डिप्रेशन का जो एक दौर आने वाला है इसके बाद उसको हम किस तरीके से केटर करेंगे ये मुनहसर है कि हम अपने बच्चों की तालीम पे कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं और आने वाली नस्लों को किस हद तक तालीम के लिए उनके लिए रास्ते आसान करना चाहते हैं और मुझे बहुत दुख है स्पीकर साहब इस चीज़ का और मैं आपसे खसूसी तौर पर आपकी तवज्जो इस बात की तरफ लाना चाहती हूँ जो गुज़िश्ता दिनों में बलूचिस्तान में तालिबे इल्मों के साथ रवैया हुआ ऑनलाइन एजुकेशन के लिए फैसिलिटीज़ जब ना हो जब दूर दराज इलाकों में बेसिक बुनियादी सहूलतें रिसोर्सेज ना हो ना बिजली हो ना पानी हो ना इंटरनेट की सहूलतें हो वहाँ भी अगर आप स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के थ्रू उनके इम्तहान लेने की बात करें और ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें तो फिर स्टूडेंट्स सड़कों पर निकलेंगे वो अपने हकूक के लिए प्रोटेस्ट करेंगे और अफसोस की बात है कि जहां आप बात तो रियासत मदीना की करते रहे लेकिन अब आपको वक्त मिला कुछ कर दिखाने का तो स्टूडेंट्स को जिस तरह जदोकोब करके मैन हैंडल किया गया स्पेसिफिकली वो जो खवातीन जो बच्चियां हैं जो हमारी बलूचिस्तान की बहनें हैं उनको जिस बेदर्दी से धक्के देते हुए प्रिजनर वैन के अंदर उनको धक्का दिया गया जो उनको मैन हैंडल किया गया उसकी मैं शदीद मजम्मत इस फ्लोर पे होकर करती हूँ ये कहीं पर भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि स्टूडेंट्स जो अपने हकूक के लिए निकले और इस पे एजुकेशन मिनिस्टर बैठे हैं मैं उम्मीद करती हूँ कि एजुकेशन मिनिस्टर मेरी बात को भी गौर से सुने क्योंकि इस वक्त शायद वो कहीं और गुफ्तगू कर रहे हैं मेरी गुजारिश है कि मिनिस्टर साहब बैठे हैं ये एक अहम मसला है इसकी तरफ वो तवज्जो भी करें और न सिर्फ इसकी मजम्मत हुकूमत को करनी चाहिए बल्कि यकीन दिलाना चाहिए कि आइंदा इस किस्म की प्रैक्टिसेस नहीं होंगी हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर जोर आजमाई नहीं होगी उनके लिए तालीम के मौके आप क्रिएट करें उनके लिए आसानियां पैदा करें जनाब स्पीकर हमने देखा कि इस बजट के अंदर जो नेशनल ट्रेनिंग ब्यूरो है इस्लामाबाद में उसके लिए कुछ भी मुख्तस नहीं किया गया देर इज नो अमाउंट दैट हैज एलोकेटेड दैट हैज बीन एलोकेटेड फॉर द नेशनल ट्रेनिंग ब्यूरो इस्लामाबाद देन वी टॉक ऑफ एजुकेशन यूनिफॉर्म पॉलिसी एजुकेशन जिस तरह मुझे भी मेरे भी इल्म है कि आप खुद एक एजुकेशनिस्ट हैं आपसे बेहतर ये बात कौन समझ सकता है कि यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी जो कि हमेशा से पीटीआई का एक नैरेटिव रहा है कई सालों से उसके ऊपर अफसोस की बात है कि इस साल भी हमने कुछ चीज़ नहीं होते हुए देखी और बल्कि ये सुना कि कल वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि अगले साल तो ये अगला साल कब आएगा ये बड़े बड़े वादे किए गए इनके ऊपर अगला साल कब आएगा फिर डेवलपमेंट में अगर हम देखते हैं तो देयर इज नो न्यू यूनिवर्सिटी स्पीकर साहब इस साल कोई नई न्यू देयर इज नो न्यू यूनिवर्सिटी एडेड इनटू द रिकरिंग ग्रांट स्ट्रीम ऑफ एचईसी ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर ऑफ 2020-2021 दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड दिस इज वेरी सैड स्पीकर साहब फिर साथ में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारी स्पेंडिंग्स हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन के ऊपर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर वो ना होने के बराबर है उसके ऊपर खातिर ख्वाह इजाफे की ज़रूरत है
और हायर एजुकेशन कमीशन को इसके ऊपर न सिर्फ इस्लामाबाद नॉट ओनली द कैपिटल बट एवरीवेयर अक्रॉस पाकिस्तान एंड स्पेशली व्हेन आई टॉक ऑफ एजुकेशन इट हर्ट्स मी मोस्ट स्पीकर साहब जब मेरा दिल ज्यादा दुखता है जब मैं बलूचिस्तान की बात करती हूँ क्योंकि हम बलूचिस्तान के लोगों को मजीद डिप्राइव नहीं रख सकते। यह हर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अपना ड्यू शेयर दे इस सूबे को क्योंकि उस सूबे से हमें गैस तो चाहिए, हमें रिसोर्सेज तो चाहिए, मादनियात तो चाहिए, लेकिन जब उस सूबे में कलम की बात होती है, जब उस सूबे में तालीम के लिए लोग उठ के खड़े होते हैं तो उनका साथ देने के लिए खड़ा ना होना यह हुकूमत की बहुत बड़ी फेलियर है। स्पीकर साहब, और मैं एक और बात करना चाहती हूँ, यह है कि हमें कहा गया था स्पीकर साहब के वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा, तो ये भी हमें बता दें कि ये अब कब होगा क्योंकि 2 साल तो गुजर गए, ये ना हो सका। बहरहाल उसके अलावा टाइगर फोर्स जो है इसकी मैं समझती हूँ कि टाइगर फोर्स पे आप तवज्जो देने के बजाय नौजवानों पे, पाकिस्तान के नौजवानों के मुस्तकबिल पे, उनकी तालीम पे, उनकी एजुकेशन पे फोकस करें। और एक अहम बात की तरफ स्पीकर साहब मैं आपकी तवज्जो चाहती हूँ, बहुत ही अहम बात है, वो ये है कि इंटरनेशनली स्कॉलरशिप दी जाती है स्टूडेंट्स को हर मुल्क के, और हमारे जितने एम्बेसडर्स बैरून मुल्क मौजूद हैं और बहुत सो से मेरे रबते हुए मुलाकात हुई तो बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अक्सर की शिकायत ये होती है कि दुनिया भर में जब उन ममालिक में एजुकेशन के स्कॉलरशिप के लिए पाकिस्तान के लिए रास्ते खुले होते हैं, अपॉर्चुनिटीज होती हैं, सीट्स अवेलेबल होती हैं, तो यहां से रिस्पांस नहीं दिया जाता। स्पीकर साहब, हालिया दिनों में खुद मलेशिया में मैं गई थी तो वहां भी मुझे एम्बेसडर की तरफ से यही पाकिस्तानी सफीर की जानिब से शिकायत मिली कि हायर एजुकेशन में और इंजीनियरिंग के लिए या मेडिकल के लिए स्कॉलरशिप जो दी जाती है उसमें वहां से रब्ता किया जाता है लेकिन पाकिस्तान से उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से। तो क्यों हम इतने अहम मौके, ऐसे मौके जो दूसरे मुल्क इस्तेमाल करके अपने नौजवानों को भेजते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं, तो वो जो डिप्राइव स्टूडेंट्स हैं जो अच्छी आला मयारी तालीम के लिए पैसा नहीं लगा सकते, उनके लिए अगर फ्री सहूलत है तो व्हाई नॉट वी अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। स्पीकर साहब, थैंक यू सो मच। जी रोमिना खुर्शीद आलम मैडम, आपका नहीं है? अच्छा, ये है शमीम आरा पंवर। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। जैसा कि मैं आज एजुकेशन पे मैं बात करूंगी कि वो कौम, वो मुल्क उस वक्त तरक्की कर नहीं सकता है जब तक किसी मुल्क के तालीम। रिडक्शन इन द बजट ऑफ HEC रिफ्लेक्ट्स द पुअर एजुकेशन पॉलिसी ऑफ अ गवर्नमेंट व्हिच वुड ऑलवेज स्पीक फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट व्हेन आई गो थ्रू द रिडक्शन एंड द कट इन द HEC फंड्स, बी इट द PSTP और द अदर ग्रांट्स। अगर आप देखें तो HEC की जो डिमांड थी एलोकेशन की, दैट वाज 104 बिलियन, बट द गवर्नमेंट एलोकेटेड ओनली 64 बिलियन। दैट शोज अ 40% ऑफ कट। एंड व्हेन वी टॉक ऑफ द PSTP ऑफ HEC, वी सी दैट द डिमांड वाज 42.6 बिलियन, बट द गवर्नमेंट एलोकेटेड ओनली 29.4 बिलियन। यानी कि ये जो तालीम हमारा असासा है, और जिस तरह मुझसे पहले मेरी साथी जो मेम्बरान है उन्होंने भी इस पे जिक्र किया, रोशनी डाली, तालीम के ऊपर इन्वेस्ट करना ये हर कामयाब कौम की निशानी होती है। अफसोस की बात ये है स्पीकर साहब कि एक ऐसे वक्त में जब कोविड से दुनिया भर में लोग मुतासिर हैं, और हम अपने मुल्क की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इसका असर है, इफ़ेक्ट है, वो स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ता है, उनकी एक जो सोच है, और आगे आने वाले वक्त में एक मेंटली डिप्रेशन का जो एक दौर आने वाला है इसके बाद, उसको हम किस तरीके से कैटर करेंगे, ये मुनहसर है कि हम अपने बच्चों की तालीम पे कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं और आने वाली नस्लों को किस हद तक तालीम के लिए, उनके लिए रास्ते आसान करना चाहते हैं। और मुझे बहुत दुख है स्पीकर साहब इस चीज़ का, और मैं आपसे खसूसी तौर पर आपकी तवज्जो इस बात की तरफ लाना चाहती हूँ जो गुज़िश्ता दिनों में बलूचिस्तान में तालबे इल्मों के साथ रवैया हुआ। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए फैसिलिटीज़ जब ना हो, जब दूर दराज इलाकों में इस बेसिक बुनियादी सहूलतें, रिसोर्सेज ना हो, ना बिजली हो, ना पानी हो, ना इंटरनेट की सहूलतें हो, वहाँ भी अगर आप स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के थ्रू उनके इम्तिहान लेने की बात करें और ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें, तो फिर स्टूडेंट्स सड़कों पर निकलेंगे, वो अपने हकूक के लिए प्रोटेस्ट करेंगे। और अफसोस की बात है कि जहां आप बात तो रियासत मदीना की करते रहे, लेकिन अब आपको वक्त मिला
कुछ कर दिखाने का, तो स्टूडेंट्स को जिस तरह जदोकोप करके मैन हैंडल किया गया, स्पेसिफिकली वो जो खवातीन, जो बच्चियां हैं, जो हमारी बलूचिस्तान की बहनें हैं, उनको जिस बेदर्दी से धक्के देते हुए प्रिजनर वैन के अंदर उनको धक्का दिया गया, जो उनको मैन हैंडल किया गया, उसकी मैं शदीद मजम्मत इस फ्लोर पे होकर करती हूँ। ये कहीं पर भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि स्टूडेंट्स जो अपने हकूक के लिए निकले, और इस पे एजुकेशन मिनिस्टर बैठे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि एजुकेशन मिनिस्टर मेरी बात को भी गौर से सुने, क्योंकि इस वक्त शायद वो कहीं और गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि मिनिस्टर साहब बैठे हैं, ये एक अहम मसला है, इसकी तरफ वो तवज्जो भी करें, और न सिर्फ इसकी मजम्मत हुकूमत को करनी चाहिए बल्कि यकीन दिलाना चाहिए कि आइंदा इस किस्म की प्रैक्टिसेस नहीं होंगी, हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर जोर आजमाई नहीं होगी, उनके लिए तालीम के मौके के आप क्रिएट करें, उनके लिए आसानियां पैदा करें। जनाब स्पीकर, हमने देखा कि इस बजट के अंदर जो नेशनल ट्रेनिंग ब्यूरो है इस्लामाबाद में, उसके लिए कुछ भी मुख्तस नहीं किया।